तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स एनसीईआरटी क्लास 12। ये हमारा पार्ट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पूरी एनसीईआरटी का। इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और सेकंड पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपका ये चैप्टर वीक रह जाता है तो इसके बाद हमारे दो चैप्टर आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो दोनों ही चैप्टर में हमें प्रॉब्लम आएगी अगर हमारा इंटीग्रेशन सही नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसमें बेसिक सा डिफरेंशिएशन यूज होता है। तो हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था डिफरेंशिएशन, तो उसका जो बेसिक डिफरेंशिएशन है वो इंटीग्रेशन में यूज होता है। शुरू की जो 2-3 एक्सरसाइज है वो आप उन्हें कर लेंगे जिससे कि इंटीग्रेशन में ज्यादा प्रॉब्लम हमें ना आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन, हमारे पास चैप्टर का नाम है इंटीग्रल। इंटीग्रल निकलता है इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है डेरिवेटिव्स निकालने का प्रोसेस, ठीक है ना। ये जो हमारे पास होता है प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसका प्रोसेस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड है इंटीग्रल, तो इंटीग्रल को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस, क्या है हमारे पास? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है हम उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब हमारे पास जो इंटीग्रल है वो दो टाइप के इंटीग्रल है हमारे यहां पर। एक इंडेफिनिट और दूसरा हमारे पास है डेफिनिट इंटीग्रल। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अब आती है बात इंटीग्रेशन की। देखिए इंटीग्रेशन जो होता है या जो हमारे पास जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल होता है इनवर्स प्रोसेस, यानी कि या फिर रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का रिवर्स, उसका उल्टा। तो हम क्या बोलते हैं इसको? यह है रिवर्स ऑपरेशन। यहां पर आप लिखिए इंटीग्रेशन, ये होता है हमारे पास रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मींस डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स है उसे हम बोलते हैं इंटीग्रल। और हम इसे डिफरेंशिएशन क्या है? डेरिवेटिव्स, तो हम इसे इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, या हम इसे क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव, मींस डेरिवेटिव का उल्टा। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि जितने भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उनका जो रिवर्स प्रोसेस है वो सब क्या है हमारे पास? इंटीग्रल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप वीडियो को पॉज करके इसे जो भी है वो आप नोट करते रहेंगे। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन है उसका सिंबल क्या है। इंटीग्रेशन का जो सिंबल है हमारे पास वो ये है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए एस है, एस को दोनों साइड से पकड़ो और खींच दो तो ये इस टाइप से बन जाएगा। ये सिंबल होता है हमारे पास इंटीग्रल का। इसके अंदर फंक्शन लिखा जाएगा जैसे एफ एक्स और डी एक्स। डी एक्स मीन्स कि किसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहां पर टी होगा तो विद रेस्पेक्ट टू टी जो भी होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, और ये होता है हमारा इंटीग्रल का सिंबल। तो अभी हमने जो आपको बताया कि इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स
प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मींस अगर मैं किसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करता हूँ, जो मेरे पास रिजल्ट आएगा, अगर मैं उस रिजल्ट को इंटीग्रेट करता हूँ, तो वही डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का किया था वो फंक्शन हमारे पास वापस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ dy by dx of x square का डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है x square का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, क्योंकि x square का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो it means क्योंकि ये इसका रिवर्स है, तो 2x का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे ये ऐसे, जब हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जब हम इसको, तो जो इंटीग्रल निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, x square, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, मींस x square का डिफरेंशिएशन 2x, इसका मतलब हुआ 2x का इंटीग्रेशन x square। भाई जो डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की वो तो यही कहती है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स कर दो, x square का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आया, 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, x square। अब आप इसे ऐसे देखिए, मान लीजिए मैं देखो मैं आपसे बोलता हूं डिफरेंशिएट x square, और फिर दोबारा बोलता हूं डिफरेंशिएट x square विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों में अलग बात है, ये ध्यान से सुनना जरा। अगर मैं आपसे कहता हूं डिफरेंशिएट x square, जब हम कहेंगे डिफरेंशिएट x square, तो देखिए x square का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x square का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, ध्यान से सुनना, x square का क्या आएगा डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, मैंने ये नहीं कहा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इनटू में dx आएगा, ये ध्यान से सुनना जरा एक बात और मेरी, x square का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, मैंने कहा डिफरेंशिएशन, मैंने ये नहीं कहा विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्योंकि मैंने कहा सिर्फ डिफरेंशिएशन, x square का 2x आएगा और साथ में क्या आएगा dx। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ विद रेस्पेक्ट टू t, अपोन में dt आ जाएगा, अगर मैं कहता हूँ विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो d थीटा आ जाएगा, तो जिसके भी रेस्पेक्ट में कहेंगे वो नीचे आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएट x square, सुने ध्यान से, डिफरेंशिएट x square विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर dx लिखता हूँ फिर अपोन में भी dx, तो dx से dx कट जाएगा, तो क्या आया रिजल्ट हमारे पास, 2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहता हूँ x square को डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब है dx square, ध्यान से सुनना, x square का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, dx square, और ये आएगा 2x into dx, ये सुनिए ध्यान से, तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास 2x dx। अब अगर मैं ये d हटाता हूँ, सुनना ध्यान से, अब ये d इधर जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मींस अगर ये d मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये d इधर जाके बन जाएगा इंटीग्रल, तो 2x का जो इंटीग्रल आएगा वो कितना आएगा, x स्क्वायर। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी थी कि dy by dx of x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो जब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x स्क्वायर। ऐसे ही अब आप देखिए यहाँ पर, इसी तरह से अगर मैं कुछ फंक्शंस को डिफरेंशिएट करूँ, मान लीजिए dy by dx of x क्यूब कितना आएगा, 3x स्क्वायर, इट मींस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x क्यूब, ये dx तो उधर जाएगा, अब आप देखना ये dx किधर जाएगा, जब ये d हटाएंगे हम तो ये इंटीग्रल बन जाता है, ये होगा हमारा रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 4 कितना आएगा, 4x क्यूब, जब डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 4x क्यूब आएगा, तो इट मींस 4x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4 आएगा, कितना आएगा, x की पावर 4। अभी और कुछ एग्जांपल आप देखिए, तो ये तो क्लियर है इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और वैसे इंटीग्रेशन को हम बोलते क्या है, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल्स को फाइंड करना,
उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, और वैसे इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और हम इसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इंटीग्रल का नाम एंटी डेरिवेटिव भी होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालते हैं, इंटीग्रल को ही हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। दोनों एक ही बात है। अगर वो कहता है फाइंड करिए एंटी डेरिवेटिव, मींस इंटीग्रल ही निकालना है। अब ऐसे ही मान लीजिए मुझे साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx of sin x क्या होता है हमारे पास, dy by dx sin x हमारे पास होता है cos x, but differentiation of sin x क्या होता है हमारे पास, cos x ही तो होता है। तो फिर तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू माइनस sin x। अब यहां पर ऐसे ही मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता है हमारे पास sec x tan x। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x जो है हमारे पास वो क्या होता है हमारे पास sec x, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन किसी भी बड़ी चीज को छोटा करता है, और इंटीग्रेशन क्या करता है, किसी भी छोटी चीज को बड़ा करता है। तो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने देखा होगा फिजिक्स में कि जब हम किसी भी सॉलिड फिगर का एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ध्यान होगा आपको। तो ऐसे ही इंटीग्रल जो होता है वो किसी भी चीज को जोड़ता है, ठीक है। पर डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी भी बड़ी चीज को तोड़ता है, और इंटीग्रेशन क्या करेगा, किसी भी छोटी चीज को वो जोड़ जोड़ करके उसको बड़ा करेगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो किसी भी ये बड़ा करने के लिए होता है, ठीक। तो अभी यहाँ पर हमें देखना है, अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको लेके दिखाए हैं, अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है मैंने आपको बताया था इंटीग्रल हमारे पास दो टाइप के हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। तो जो पहले हमारा टॉपिक है वो डेफिनिट है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, नहीं पहला जो हमारा टॉपिक है सॉरी वो है इनडेफिनिट इंटीग्रल, और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा डेफिनिट इंटीग्रल। तो देखिए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, दोबारा देखिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कोस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब कोस एक्स का इंटीग्रल क्या हुआ, साइन एक्स, ये डी एक्स उधर जाता है, दोबारा देख लीजिए, ये जो है डी साइन एक्स होता है, और ये कोस एक्स डी एक्स, ये होता है मेन चीज। और जब ये डी हम हटाएंगे, डी हटाने का मतलब है इनवर्स करना उसका, वो क्या होता है इंटीग्रल। जब ये डी यहां से हटेगा तो ये डी इधर जाकर के इंटीग्रल बन जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब भाई आपने लिया साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कोस एक्स होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन एक्स हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब दोबारा देखिए, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस टेन, अगर मैं साइन एक्स प्लस टेन को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, कोस एक्स आएगा, और टेन का क्या आएगा, जीरो। तो साइन एक्स प्लस टेन का डिफरेंशिएशन आया कोस एक्स, तो डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ, कोस एक्स का इंटीग्रेशन हुआ साइन एक्स प्लस टेन, ठीक है। अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 15, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन का आ जाएगा कोस, और 15 का हो जाएगा जीरो। फिर भाई जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन एक्स प्लस 15, तो ये तुम्हारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 15। तो ये क्या बात हुई,
कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स भी है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस टेन भी है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस फिफ्टीन भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रल, ये है इनडेफिनिट इंटीग्रल, इस पर कोई लिमिट नहीं होती, इसीलिए इसके आंसर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो प्लस टेन प्लस फिफ्टीन हुआ, इनसे ये सब हमारे पास हमेशा कॉन्स्टेंट होंगे, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोस एक्स का इंटीग्रेशन है, हम जनरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे, साइन एक्स ही होगा, लेकिन प्लस सी हम जोड़ेंगे। ये सी क्या है, ये सी यहाँ पर 15 है, ये सी यहाँ पर 10 है, ये सी यहाँ पर 0 है। तो ये सी क्या हुआ हमारे पास, ये सी होता है हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन एक्स क्या हुआ, इंटीग्रल। साइन एक्स क्या हुआ, सुने ध्यान से, साइन एक्स इज इंटीग्रल ऑफ cos x and process for finding sin x is called integration। तो ये हमारे पास integral है, इसको find करने के जो हम steps लगाते हैं वो integration होता है, ठीक। तो ये होता है हमारे पास constant of integration। तो क्योंकि हमारे पास अभी indefinite integral है, indefinite का मतलब उसमें हमें limit नहीं दी होती, क्योंकि जब हमें limit देंगे तो answer हमेशा हमारा फिक्स आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, फिक्स आंसर आएगा हमेशा जब हमें लिमिट दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं दी हुई है, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस सी लिखते हैं, वेयर सी इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सी कुछ भी हो सकता है, जैसे 15, 10 और भी चाहो तो और भी आप डाल सकते हो। तो फिलहाल ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल का, ठीक। अभी मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिख के दिखाऊंगा, वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। और ये बात ध्यान रखना, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 12th क्लास के लिए भी, और आपके जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे IIT जी वगैरह के, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आने वाले 2-3 चैप्टर आपके अपने आप ही पक्के हो जाएंगे। सिर्फ आपको ये चैप्टर के अंदर इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 बहुत आसान लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब आप देखिए कुछ फॉर्मूले लिखता हूं मैं। साइन एक्स का इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोस एक्स, प्लस सी जरूर जोड़ेंगे आप। जब तक आप इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ोगे आपको लास्ट में ये कांस्टेंट जरूर ऐड करना है। आप इस कांस्टेंट को ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो, बाद में उसको मेंशन करना है कि भैया ए इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कैसे आया, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो इस माइनस को मैं इधर ले आया और डी एक्स को हम उधर ले गए। अब डी हटाएंगे तो इधर इंटीग्रल आ जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कोस एक्स, और प्लस सी तो हमें जोड़ना ही होता है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स ये होता है साइन एक्स प्लस सी, साइन कोस टेन, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। अभी मैं टेन एक्स का जो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा ये फॉर्मूला आता है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ जितने भी इसके अंदर फर्स्ट टाइप के होते हैं, उन सबको हम एक कॉपी में नोट करेंगे, उन सभी फॉर्मूले को हम याद करेंगे। अब आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स होता है हमारे पास लॉग, माइनस लॉग कोस एक्स भी होता है, या हम इसे लॉग sec x भी बोलते हैं। log के बाद हमेशा मॉडुलस में लिखना चाहिए, क्योंकि log की जो डोमेन होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं आएगा। क्योंकि देखो अब आप देखिए log cos x है, माइनस log cos x है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं जो क्या है भाई, माइनस तो बाहर, पहले तो log का होगा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 upon cos, फिर कोस का होगा डिफरेंशिएशन क्या आएगा,
माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस क्या आया, टेन एक्स। तो माइनस लोग कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो टेन एक्स है, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस लोग कोस एक्स। या आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे लोग सेक एक्स है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो लोग का क्या आएगा, वन अपॉन सेक, फिर सेक का क्या आएगा, सेक एक्स टेन एक्स, ये कट के कितना आंसर आया हमारे पास, टेन एक्स। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज लोग सेक एक्स भी होता है। ऐसे ही हमारे पास इंटीग्रेशन है कोट एक्स का, कोट एक्स का होता है हमारे पास लोग साइन एक्स प्लस सी। नंबर फाइव में हमारे पास साइन कोस टेन कोट सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या हम इसे बोलते हैं लोग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अभी हम इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो ये फॉर्मूले में लिख रहा हूँ ना, टेन कोट और सेक, और नंबर सिक्स पे मैं लिखूंगा कोसेक एक्स का फॉर्मूला। आप वीडियो को पॉज करके पहले से नोट करिए। नंबर सिक्स है हमारे पास इंटीग्रेशन है हमारे पास ये कोसेक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, ये होता है हमारे पास लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, या इसे हम बोलते हैं लोग टेन एक्स बाई टू प्लस सी। देखिए आपको आंसर इस फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है, आंसर आपको इस फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है। वैसे तो ये जो मैंने चार फॉर्मे लिखे हैं टेन कोट सेक और कोसेक के, ये चारों फॉर्मले हम डिस्कस करेंगे इससे सेकेंड वाली एक्सरसाइज में। तो फिलहाल अभी मैंने लिख दिए हैं जिससे कि सारे फॉर्मले हमारे पास एक साथ लिखे हुए आ जाए और हमें उन्हें याद करने में समझने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवन नंबर, देखिए sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास sec x प्लस c, क्योंकि sec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास sec x। ऐसे ही cosec x कोट एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस कोसेक प्लस सी, क्योंकि कोसेक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ये उसी के एंटी डेरिवेटिव है। तो ये एंटी डेरिवेटिव हुआ किसका, सेक एक्स कोट एक्स का, क्योंकि कोसेक एक्स कोट एक्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोसेक एक्स, सो माइनस कोसेक एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस सॉरी cos x इनटू cot। तो नंबर 9 पर हमारे पास है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, क्यों, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। नंबर 10 है हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सिंबल हुआ इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन इसका मतलब है इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज माइनस कोट एक्स। तो ये 10 फॉर्मूले हुए हमारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अभी और भी काफी सारे फॉर्मूले हैं, नंबर 11 देखिए, देखिए 11 है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, ये देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, ये आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रल, अगर आपको निकालना हो तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1,
देखो ऐसा है, जैसे मान लीजिए x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है, x की पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 4x³। ऐसे ही 4x³ का जो इंटीग्रल आएगा वो कितना आएगा, x की पावर 4। अब आप ध्यान से देखिए, इस 4 को अगर मैं इधर ले जाता हूँ नीचे, x की पावर 4/4, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, x क्यूब का बन गया x की पावर 4 और 3 पावर का क्या हो गया नीचे 4, यानी जो पावर ऊपर आएगी वही नंबर नीचे आएगा। दोबारा देखिए, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होता है 5x की पावर 4, तो 5x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 5, तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आएगा, ये 4 5 को हम नीचे ले जाते हैं तो प्लस सी। अब आप देखिए, ये जो 5 है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4+1, और इसे क्या लिख सकता हूँ, 4+1। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर था x क्यूब था, तो ये हो जाएगा 3+1 और नीचे क्या हो जाएगा, 3+1। ठीक है, तो इस टाइप से x की पावर n का क्या बनेगा, x की पावर n+1/n+1। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं, इलेवन नंबर है। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन, देखिए 1/x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो यहां पर आएगा log x प्लस सी, बेस e वाला लेते हैं, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a, ठीक है, चलो इसे अभी देखते हैं। पहले नंबर 13 है हमारे पास, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x, क्योंकि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या हुआ, e टू दी पावर x ही हुआ। अब नंबर 14 में है हमारे पास a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, वेयर ए इज अ कांस्टेंट। अब आप देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x log e बेस a, a बेस e, ध्यान से देखना, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log a बेस e, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, तो a टू दी पावर x इंटू log a बेस e का इंटीग्रेशन हुआ हमारे पास a टू दी पावर x। अब ये जो कांस्टेंट है हम इसे इसके नीचे ले जाएंगे, a टू दी पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c, तो a टू दी पावर x का जो इंटीग्रेशन आया वो आया a टू दी पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अब यह देखिए आप dy by dx ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1/√1 − x², ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, 1/√1 − x² का इंटीग्रेशन हुआ साइन इनवर्स x प्लस सी। ऐसे ही d/dx ऑफ कोस इनवर्स x −1/√1 − x² होता है, तो इट मींस इसका इंटीग्रेशन ये हुआ कोस इनवर्स x प्लस सी। ऐसे ही d/dx ऑफ टेन इनवर्स x हुआ दिस, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 + x² दिस इज टेन इनवर्स x। ऐसे ही क्योंकि d/dx ऑफ कोट इनवर्स x होता है −1/√1
वन प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रल ऑफ दिस, ये हुआ हमारे पास कोट इनवर्स एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ sec इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा sec इनवर्स एक्स प्लस सी, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स एक्स होता है माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सो अभी आप क्या करेंगे, सभी फॉर्मूले को लिखेंगे, टोटल 20 फॉर्मूले होंगे, अभी और भी फॉर्मूले हमारे पास आगे आएंगे, ये सभी फॉर्मूले को आप नोट करिए, इसे याद करिए और बेसिक डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, जो स्टार्टिंग में 3-4 क्लासेज हमने बताई थी उनको थोड़ा सा आप जो बेसिक डिफरेंशिएशन है उसकी आप रिवाइज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे याद करेंगे जो आपने 11th में पढ़े हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब फॉर्मूलों को आप क्या करेंगे, इन्हीं के साथ ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले वगैरह लिख लेंगे और इन्हीं के साथ थोड़ा सा डेरिवेटिव्स आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, कुछ इसके अंदर थ्योरम्स हैं, कुछ इनका ज्योमेट्रिकल इससे ज्योमेट्रिकली थोड़ा इसे एक्सप्लेन करेंगे इंटीग्रेशन को, उसके बाद फिर हम आगे लेंगे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर ये बीच में छूट गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए कंटिन्यूसली जितनी भी क्लासेस चलेगी वो उसी दिन आपको देखनी है, तो क्योंकि अगर क्लास छूट गई तो फिर ये चैप्टर छूटता चला जाएगा, इसके अंदर 11-12 एक्सरसाइज है, ठीक। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करें।